हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपक एंड वेलकम टू द माय चैनल डीके कोडिंग सेंटर। तो फ्रेंड्स, जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चन के सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं होस्टिंग्स एंड टेम्पोरल डेट जोन के बारे में। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये फेवरेट टॉपिक्स होते हैं इंटरव्यूअर के। और एक चीज़ जान लीजिए कि अगर इंटरव्यूअर आपसे होस्टिंग एंड टेम्पोरल डेट जोन के बारे में पूछता है तो वो जानना चाह रहा है कि आपको पता है कि नहीं कि जावास्क्रिप्ट बेसिक काम कैसे करता है। ठीक है, ठीक है, एक कोड को एग्जीक्यूट करने से पहले जावास्क्रिप्ट क्या करता है क्या नहीं करता है, बेसिकली वो ये आपसे ये जानना चाह रहा है। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से देखेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं होस्टिंग एंड टेम्पोरल डेट जोन इन जावास्क्रिप्ट। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि होस्टिंग क्या होती है। ओके, होस्टिंग इज ए जावास्क्रिप्ट मैकेनिज्म वेयर वेरिएबल्स फंक्शन डिक्लेरेशंस एंड क्लासेस आर मूव टू द टॉप ऑफ देयर स्कोप बिफोर कोड एग्जीक्यूशन। ओके, इसका क्या मतलब हुआ? तो सिंपल भाषा में अगर समझें तो होस्टिंग इज अ प्रोसेस इन जावास्क्रिप्ट विच मूव्स योर वेरिएबल्स एंड फंक्शन डिक्लेरेशन ऑन द टॉप ऑफ द स्कोप बिफोर द कोड एग्जीक्यूशन। ठीक है, होस्टिंग एक जावास्क्रिप्ट में प्रोसेस है जो कि आप जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं या फिर फंक्शन डिक्लेयर करते हैं कहीं भी बीच में, ठीक है, जैसे आप कोडिंग कर रहे हैं तो बीच में एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए या फिर फंक्शन नया बना दिए और उसको अगर बीच में कर रहे हैं या फिर लास्ट में कर रहे हैं तो होस्टिंग क्या करता है, उन सभी डिक्लेरेशन को उठा के टॉप पे मूव कर देता है। ठीक है, उसके बाद कोड को एग्जीक्यूट करता है। ठीक, तो अगर इसको एक एग्जाम्पल से देखें अगर, ठीक है, तो एक वेरिएबल बनाते हैं एज नाम से, वैल्यू 25। ठीक है, और एक फंक्शन को भी डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन डिस्प्ले, तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है और यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, लेकिन डिक्लेयर तो हम इसको यहाँ पे कर रहे हैं, इसके पहले इसको अगर एक्सेस करें तो क्या रिजल्ट आएगा? सबसे पहले वेरिएबल को एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो अगर इसको कंसोल में प्रिंट कराएं, ठीक है, कंसोल में अगर प्रिंट कराएं एज नाम से, तो हमें क्या रिजल्ट आएगा? अगर इसका रिजल्ट देखें हम तो ये अनडिफाइन आ रहा है, इरर नहीं आ रहा है। सबसे पहले तो ये देखिए कि इरर नहीं आ रहा है। इरर क्यों नहीं आ रहा है? वो होस्टिंग की वजह से नहीं आ रहा है। ठीक है, और लेकिन वैल्यू अनडिफाइन आ रही है जबकि हमने यहाँ पे एक वैल्यू दिया है, तो इसको भी जानेंगे कि अनडिफाइन क्यों आ रहा है। तो सबसे पहले ये पता हो गया कि आप वेरिएबल डिक्लेयर बाद में कर रहे हैं लेकिन उसको एक्सेस पहले ही कर ले रहे हैं, तो ये होस्टिंग की वजह से ही पॉसिबल है। ठीक है, इसी तरह आप फंक्शन को अगर कॉल कर दें, उसके फंक्शन को डिफाइन होने से पहले ही अगर कॉल कर दें, अगर रिजल्ट प्रिंट करें तो हमें यहाँ पे गुड मॉर्निंग भी आ जा रहा है ना, तो ये भी होस्टिंग के द्वारा ही पॉसिबल है। ठीक है, अब इस कोड में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या हो रहा है, आप एक वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं, एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, उसके बाद वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, फिर फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं, तो जितने भी ये डिक्लेरेशन है ना, ये क्या करता है, होस्टिंग जो जावास्क्रिप्ट है ये सभी डिक्लेरेशन को उठा के टॉप पे मूव कर लेता है। ठीक है, उसके बाद कोड को एक लाइन से एग्जीक्यूट करना चालू करेगा, तो यही चीज़ होस्टिंग कहलाती है। ठीक है, अब आते हैं कि ये अनडिफाइन क्यों आ रहा है। ठीक है, ये अनडिफाइन क्यों आ रहा है एज की वैल्यू, जबकि हमने एज की वैल्यू हमें यहाँ पे दिया है, तो अनडिफाइन क्यों आ रहा है? तो दो चीज़ें आपको माइंड में रखनी है जब आप होस्टिंग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तब पहली बात तो होस्टिंग सिर्फ डिक्लेरेशन की होती है, होस्टिंग इनिशियलाइजेशन की नहीं होती है। ठीक है, ये जो आप ये देख रहे हैं कि हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है यहाँ पे, एक्चुअली ये दो इसमें दो चीज़ें हो रही हैं। पहला तो आप वर एज ये डिक्लेयर कर रहे हैं एक वेरिएबल, उसके बाद एज की वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे हैं 25। ये दो लाइन में है। ठीक है, ये जो आप सिंपल एक लाइन में लिख दिए हैं इसको दो लाइन में आप तोड़ सकते हैं। एक होता है ऊपर का होगा डिक्लेरेशन, एक वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, और दूसरा है उस वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन किए हैं या वैल्यू इनिशियलाइज किए हैं। ठीक है, तो जो होस्टिंग होती है वो सिर्फ डिक्लेरेशन की पॉसिबल है। ठीक है, आपने वेरिएबल डिक्लेयर तो कर दिया है मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, तो इस लाइन तक अभी तक यहाँ पे जो एज की वैल्यू है वो अनडिफाइन ही रहेगी क्योंकि सिर्फ डिक्लेयर हुआ है, उसकी वैल्यू अभी तक कोई असाइन नहीं किए हैं। ठीक है, और होस्टिंग जो होता है वो इसी लाइन के तक ही पॉसिबल है, यहाँ पे होस्टिंग इनिशियलाइजेशन की पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसी वजह से हमें जो वैल्यू आ रही है वो अनडिफाइन आ रही है। ठीक, आप समझ में आया कि अनडिफाइन हमें क्यों मिल रहा है? क्योंकि होस्टिंग सिर्फ डिक्लेरेशन की होती है, इनिशियलाइजेशन की नहीं होती है। समझ में आया? और दूसरी चीज़ जो माइंड में रखने की बात है, होस्टिंग केवल उन वेरिएबल्स की पॉसिबल है जो वर कीवर्ड के साथ डिक्लेयर होते हैं। अगर यहीं पे मैं लेट कीवर्ड का यूज कर दूं, ठीक है,
उसके बाद इसको रन करो तो हमें इधर आएगा। ठीक, इसका क्या मतलब हुआ कि होस्टिंग सिर्फ वर्ड कीवर्ड के साथ जो वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं उन्हीं की पॉसिबल है, लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ जो वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं उनकी पॉसिबल नहीं है होस्टिंग। क्यों नहीं पॉसिबल है इसको हम आगे देखेंगे। तो उम्मीद है कि होस्टिंग आपको समझ में आ गई है। अब चलते हैं टेम्परल डेड जोन की तरफ। ठीक है, ये क्या होता है तो अब देखते हैं टेम्परल डेड जोन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात समझ लीजिए कि टेम्परल डेड जोन सिर्फ लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उन्हीं के साथ आता है। ठीक है, ये एक बिहेवियर है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, और ये सिर्फ लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ जो वेरिएबल डिक्लेयर होता है उन्हीं के साथ आता है। ठीक है, तो टेम्परल डेड जोन इज ए बिहेवियर इन जावास्क्रिप्ट दैट ऑकर्स व्हेन डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल विथ लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड बट नॉट विथ वर्ड कीवर्ड। वर्ड कीवर्ड के साथ नहीं होता है। ठीक है, समझ में आया। तो अगर इसको सिंपल भाषा में जाएं, टेम्परल डेड जोन इज ए स्टेट ऑफ वेरिएबल आर पीरियड ऑफ टाइम इन विच वेरिएबल इज प्रेजेंट इन द मेमोरी बट इट इज नॉट डिक्लेयर। ओके, वेरिएबल आपका प्रेजेंट होता है मेमोरी में लेकिन वो डिक्लेयर नहीं होता है। इस टाइम पीरियड जो ये जो टाइम पीरियड है इनके बीच का उसी को बोलते हैं टेम्परल डेड जोन। ठीक है, या फिर ये जो वेरिएबल का ये स्टेट होता है जिस स्टेट में इसमें वेरिएबल है उसको बोलते हैं टेम्परल डेड जोन। ओके, टेम्परल डेड जोन समझ में आया। अगर इसको एक एग्जांपल से देखें, ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया लेट एज कल टू 10। ओके, और यहाँ पे आप उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है टेम्परल डेड जोन का। तो इसमें क्या है, लाइन नंबर 45 में हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है एज कल टू 10। ठीक है, लेकिन इस वेरिएबल को हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं लाइन नंबर 37 एंड लाइन नंबर 41 में। ठीक है, तो ये क्या देगा। ठीक, अगर इसको सबसे पहले तो ये पिछला वाला रिजल्ट क्लियर करते हैं। ठीक है, अब इसको अगर रन करें तो ये देखिए हमें यहाँ पे एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है, रेफरेंस एरर। ये एरर टेम्परल डेड जोन के कारण ही आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। कोई भी पूछ सकता है कि टेम्परल डेड जोन के कारण कौन सा एरर आता है, तो रेफरेंस एरर आता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा क्या है, कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि ए को एक्सेस नहीं कर सकते हैं जब तक वो इनिशियलाइज ना हो गया हो। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो लाइन नंबर 44 है, लाइन नंबर 44 से लेके लाइन नंबर 37 तक, या फिर यह कह सकते हैं लाइन नंबर 37 से लेके लाइन नंबर 44 तक, इस समय जो वेरिएबल हमारा ए है वो प्रेजेंट तो है मेमोरी में। ठीक है, ये यहाँ पे जो एरर है इसमें ये नहीं लिखा है कि ए एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ये लिखा है कि ए को इनिशियलाइज करने से पहले आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब लाइन नंबर 37 से लेके लाइन नंबर 44 तक वेरिएबल हमारा एग्जिस्ट कर रहा है मेमोरी में लेकिन वो अभी तक डिक्लेयर नहीं है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक हमारा जो वेरिएबल है वो टेम्परल डेड जोन में है। ठीक है, लाइन नंबर 37 से लेकर लाइन नंबर 44 तक हमारा जो वेरिएबल ए है वो टेम्परल डेड जोन में है, या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि ये इसमें डेड है। ठीक, ये इसमें डेड है, इसको एक्सेस नहीं कर सकते आप। ठीक है, और जैसे ही आपने वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, तो उसी टाइम पे एंड हो जाता है टेम्परल डेड जोन। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया ये टेम्परल डेड जोन एंड हो गया। अब अगर आप इसको इसके बाद अगर एक्सेस करना चाहें तो एक्सेस कर सकते हैं, है कि नहीं। इसके बाद अगर एक्सेस करना चाहें तो इस वेरिएबल को एक्सेस कर ही सकते हैं। ठीक, अगर इन सबको अगर मैं इन सबको अगर कमेंट करूँ और रन करूँ तो ये प्रिंट कर रहा है ना 10। तो इसका मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हमारा जो वेरिएबल ए है वो मेमोरी में प्रेजेंट है लेकिन अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो टेम्परल डेड जोन में। ये सी प्रॉब्लम आती है लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ, वेयर कीवर्ड के साथ नहीं आती है टेम्परल डेड जोन की प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए, समझ में आया। और इसी टेम्परल डेड जोन बिहेवियर के कारण ही आप होस्टिंग नहीं कर सकते हैं लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ। मैंने बोला था ना कि लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ होस्टिंग पॉसिबल नहीं है, तो क्यों नहीं पॉसिबल है, इसी वजह से, क्योंकि लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उससे पहले उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो उस टाइम पीरियड में हमारा जो वो वेरिएबल होता है जो कि लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ डिक्लेयर होता है वो डेड जोन में होता है। ओके,
टेम्पोरल डेड जोन में होता है तो उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते, और इसी बिहेवियर के कारण लेट एंड कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ होस्टिंग पॉसिबल नहीं होती है। तो उम्मीद है कि मैंने आपको टेम्पोरल डेड जोन और होस्टिंग दोनों समझा दिया है। अगर फिर से मैं इसका डेफिनेशन रिपीट करूँ सिंपल भाषा में, तो होस्टिंग इज अ प्रोसेस विच मूव्स योर वेरिएबल्स एंड फंक्शन डिक्लेरेशन ऑन द टॉप ऑफ द कोड बिफोर द कोड एग्जीक्यूशन। ओके, एंड टेम्पोरल डेड जोन की बात करें तो टेम्पोरल डेड जोन इज ए स्टेट ऑफ वेरिएबल आर ए पीरियड ऑफ टाइम इन विच वेरिएबल इज प्रेजेंट इन द मेमोरी बट इट इज नॉट डिक्लेयर एट दैट टाइम। ओके, अभी तो कोई डिक्लेयर नहीं हुआ है लेकिन वो मेमोरी में प्रेजेंट है। ठीक है, सिंपल भाषा में। तो उम्मीद है कि मैंने आपके दोनों टॉपिक अच्छे से समझा दिया है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। और वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे ही वीडियो और बनाता रहूँ। तो थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।